हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और क्लास सेवन्थ का जो हम टॉपिक कर रहे हैं हिस्ट्री का, दिल्ली सुल्तान, ठीक है। तो उसका हमने एक पार्ट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इधर जाके आई बटन को टैप करके पहला वीडियो देख लें। आज ये दूसरा वीडियो करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम गैरेसन टाउन टू एम्पायर, गैरेसन शहर से एम्पायर यानी जो राजा था उसके शहर तक, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सुल्तान यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे उनने जो एक्सपेंशन किया था वो कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो ये आप मैप देख सकते हैं, लगभग दिल्ली के जो सुल्तान है ये इंडिया के मैप के हिसाब से ये वाला हिस्सा जो था वही कवर किया हुआ था। ये एक ये भी यहाँ का भी था, ठीक है। ये गुजरात का भी, इधर गुजरात के टच का हिस्सा था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज इसमें से आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया, इधर से देखेंगे तो इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये दिल्ली अपना और दिल्ली के ही आसपास ये सारे शहर थे बड़े बड़े, संबरमना, काशी, हांसी, ठीक है, बहुत सारे नाम थे। तो ये अवध, लगभग ये यहाँ तक दिल्ली का साम्राज्य था और उसी के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड क्या होता है? द लैंड्स एडजेसेंट टू ए सिटी यानी शहर के साथ जुड़ा हुआ, क्या एक मतलब जुड़ा हुआ पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब शहर जो किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ, पोर्ट के साथ या ऐसी जगह के साथ जुड़ा हो जहाँ पे खाने पीने की और सर्विसेज हमें अवेलेबल हो जाएं। गैरिसन टाउन का क्या मतलब होता है? ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट यानी एक किलाबंदी, ठीक है। किलाबंदी का क्या मतलब होता है? ऐसी जगह जहाँ पे चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हों विद सोल्जर्स और वहाँ पे सिपाही भी हों यानी आराम से आप रह सकें, मतलब अच्छी दीवार हो, बाहर की कोई भी समस्या आपको परेशान ना करे। इन द अर्ली 13th century, ये बोल रहा है लगभग 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई गैरिसन। ये बोल रहा है जो गैरिसन था, मतलब गैरिसन का क्या मतलब हो गया, जो शहर है ना जिन पे चारों तरफ से किलाबंदी है, इस तरह के शहरों को छोड़ करके जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका दूर दूर तक जो साम्राज्य था वो दिख नहीं रहा था, मतलब वो संभव नहीं था, बड़ी मुश्किल था वो। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल, जो सुल्तान थे वो मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे द हिंटरलैंड को यानी उनकी ऐसी जगह को जहाँ से उन्हें खाने पीने की या सर्विसेज मिले, ऑफ द सिटीज एंड वेयर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, इस वजह से उन्हें किस चीज़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, व्यापार के ऊपर, ट्रिब्यूट्स के ऊपर और प्लंडर्स मतलब लूटमार के ऊपर, सप्लाईज, ठीक है, यानी उन्हें इन चीज़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। कि देखो, अब वो आराम से शासन तो कर नहीं पा रहे थे तो या तो उन्हें व्यापार करना पड़ेगा और या फिर लूटमार करनी पड़ेगी, तो इन चीज़ों के ऊपर निर्भर रहते थे दिल्ली के सुल्तान। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन, जब गैरिसन टाउन को कंट्रोल करने की बात आती है, इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब देखो, दिल्ली से है ना जो बंगाल का एरिया है वो, और जो सिंध का एरिया है जो आज पाकिस्तान में चला गया, इनको, इन दोनों जगहों को मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि बहुत दूर थे दिल्ली से। तो देखो, आप देखोगे ये वाला एरिया है बंगाल का, यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है, और यहाँ पे एरिया सिंध का, तो दिल्ली से इस साइड में तो सिंध हो गया और इस साइड में बंगाल हो गया, तो इन दोनों जगहों को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। रिबेलियन, विद्रोही, विद्रोह मतलब देखो, जब भी कोई राज करता है तो उनके विद्रोही हो जाते हैं, जैसे अंग्रेज राज करते थे तो हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये इनका सबका अपना अपना सहयोग था, योगदान था, ये रिबेलियंस थे, विद्रोही थे एक तरीके से। वार, युद्ध होते हैं, इवन बैड वेदर, ख़राब मौसम भी होता है, कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन, और फिर कम्युनिकेशन जो है मतलब बातचीत का जो दौर था, उस टाइम पे फ़ोन तो होते नहीं थे, तो आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, तो वो किस वजह से, ख़राब मौसम की वजह से वो टूट जाता था, क्योंकि कहीं पे नदी ख़राब हो गई, कहीं पे रास्ते टूट फूट गए, तो वो रूट जो है वो ख़राब हो जाते थे और पता नहीं चलता था वहाँ पे क्या हो रहा है। मान लो बारिश के चार महीने बारिश होती है दिल्ली के एरिया में, तो वहाँ पे जब 4 महीने लगातार अगर बारिश हो रही है तो आसपास या बंगाल साइड में या इस सिंध साइड में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं चलता था। द स्टेट वॉज ऑल्सो चैलेंज बाई मंगोल इन्वेजन्स, और मंगोल जो अफगानिस्तान साइड से थे, मंगोलों का जो विद्रोह था या उनके जो अफगानिस्तान से जो लुटेरे लगा लो या आप जो भी समझो उनको, उनके विद्रोह और उनके हमलों से भी डर लगता था। बाई द गवर्नर्स हु रिबेल, और ऐसे गवर्नर्स, गवर्नर्स होता है जो राजा ही चुन देता था, मतलब राजा
तो राज कर रहा है दिल्ली से, और वो कहीं पे जैसे बंगाल में उसने अपना गवर्नर बना दिया, तो गवर्नर के भी विद्रोह से डरते थे कि कभी कोई गवर्नर विद्रोह ना कर दे। एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, जय किसी भी तरीके से जब सुल्तान कमज़ोर होता है, द सुल्तनत बेयरली सर्वाइव, तो सल्तनत जो होती है यानी उसका जो साम्राज्य होता है उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दीज चैलेंजेस, ये जो चैलेंजेस थे, इट्स एक्सपेंशन अक्योर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन, ये गयासुद्दीन जो बलबन है उसके समय में भी ऐसा हुआ, फिर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक उनके समय में भी ऐसा हुआ कि मतलब उनको अपना जो सिस्टम था वो संभालना जो है वो थोड़ा भारी हो गया था, दूर दूर तक बड़ी मुश्किल से संभाला जाता था। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेनिंग अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स, तो सबसे पहला जो कैंपेन था वो इंटरनल फ्रंटियर्स का था ऑफ द सल्तनत, एम्ड उनका उद्देश्य क्या था, एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड, मतलब जो उनका जहाँ से खाने पीने का जो सामान आ रहा था उनके साथ सेम मतलब सेटिंग बना के रखना कि भाई हमारे को सारी चीज़ें मिलती रहें। ऑफ द गैरिसन टाउन्स, गैरिसन टाउन से ठीक है, मतलब जैसे ये गैरिसन टाउन हो गया, किलेबंदी का वो हो गया, और ये हो गया पोर्ट, यहाँ से भी देशों से सामान आता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो सही रहे और पोर्ट के साथ अच्छे संबंध रहे, या पोर्ट पे जो भी उनका आदमी काम करता है वो उनकी संभाल हो रहे। अगर किसी वजह से इनका कम्युनिकेशन टूट जाता है तो फिर ये इन चीज़ों के किन लूट मार के ऊपर या कहीं दूसरे सोर्स के ऊपर इन्हें डिपेंड होना पड़ता था। ड्यूरिंग दीज कैंपेनिंग्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, अब क्या किया जाता था, यहाँ पे जैसे जंगल होते थे तो इन जंगलों को काट दिया जाता था, जो दोनों पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे जंगल होते थे, इन जंगलों को काट दिया जाता था। एंड द गंगा यमुना डोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स, अब गंगा यमुना का जो एरिया था यहाँ पे क्या था, जो हंटर गैदरर मतलब चीज़ों को, या हंटर गैदरर मतलब होता है जो शिकारी होते हैं किसी चीज़ को मार के वो इकट्ठा करते रहते हैं उनका मांस वगैरह, तो इस तरह के आदमियों को और पेस्टोलिस्ट जो अपने गाय भैंसों को जो चराते हैं उनको भगा दिया इस क्षेत्र से, या उनकी आदत छुटवा दी यहाँ से, या तो उन्होंने अब अपना काम बंद कर दिया या वो कहीं दूसरी जगह चले गए। क्यों? क्योंकि इन्हें साफ रास्ता चाहिए था, साफ जगह चाहिए थी। अब क्या हो गया था, दीज लैंड वर गिवन, अब जो ये जगह साफ कर दी थी तो ये दे दी गई थी किसको, पीजेंट्स को, किसानों को, पीजेंट मतलब होता है किसान यानी फार्मर, एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज, और खेती बाड़ी को बढ़ावा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो चाहते हैं वो चीज़ें पैदा कर सके, तो अनाज चाहेंगे तो अनाज पैदा हो जाएगा, या खाने पीने की चीज़ें और पैदा हो जाएंगी। न्यू फोर्ट्रेस एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिशेज, नए किले और नए कस्बे, कस्बे क्या होता है, एक सिटी होता है, शहर होता है और एक विलेज होता है, इसके बीच का होता है उसको टाउन बोलते हैं, जिसमें गांव के भी गुण होते हैं और शहर के भी गुण होते हैं। तो नए कस्बे बनने लग गए टू प्रोटेक्ट ट्रेड, किस लिए, ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, और रीजनल ट्रेड को भी प्रमोट करने के लिए। रीजनल ट्रेड मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र के एक पर्टिकुलर व्यापार के लिए। द सेकेंड एक्सपेंशन अक्योर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, और जो दूसरा एक्सपेंशन किया गया वो किया गया एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी बाहरी सीमाओं में, एक्सटर्नल मतलब बाहरी और फ्रंटियर मतलब सीमाओं में, ऑफ द सल्तनत, सल्तनत का। एक तो देखो पहले हमने पढ़ा था अभी, किलेबंदी पड़ी थी यानी जिसके चारों तरफ किले थे और अंदर वो रहते थे और सिपाही भी उनकी रक्षा करते थे, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंटियर का मतलब बाहर की तरफ भी अपनी सेनाएं भेजी गई। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउथर्न इंडिया, मिलिट्री एक्सपेडिशन मतलब आर्मी के द्वारा किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेना, स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह शुरू हुआ, एंड कल्मिनेटेड और अपने शिखर पर पहुँचा विद मोहम्मद तुगलक, यानी तुगलक के समय में ये बिल्कुल शिखर पर पहुँच गया। इन देयर कैंपेन्स, इनके जो कैंपेन्स थे या इनके अभियान थे, सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, सल्तनत की जो आर्मी थी वो हाथी पकड़ती थी, घोड़े पकड़ती थी, गुलाम बनाती थी लोगों को, एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल्स, और अपने साथ महंगी महंगी मेटल्स रखती थी। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, जब मोहम्मद तुगलक का रीजन एरिया या उनका राज जो ख़त्म हो गया, 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल्स बिगनिंग, काफ़ी अलग ही तरह की शुरुआतें हुई, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सुल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, अब जो आर्मी थी दिल्ली सल्तनत की उन्होंने क्या किया, कूच करना शुरू कर दिया, कूच मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की तरफ चलना शुरू कर दिया अपने देश में, और वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करने लगे। दे हैड डिफीटेड, उन्होंने हराए राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़,
उन्होंने काफी मतलब जो उनके विरोधी थे उनकी सेनाओं को हराया और बड़े बड़े शहरों पे कब्जा किया। द सल्तनत कलेक्ट टैक्सेस, अब जो सुल्तान थे वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे फ्रॉम पीजेंट्री, किन से, किसानों से, एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रेलम, और अपने हिसाब से न्याय व्यवस्था बना रखी थी। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में इनका राज करना संभव कैसे हो पा रहा था। अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इन टू साउथ इंडिया, अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन थे साउथ इंडिया में वो दिखा रखे हैं। ये दिल्ली है, दिल्ली से देखो 1299 में गुजरात की तरफ कूच किया, चित्तौड़ की तरफ किया 1303 में, फिर 1301 में कहाँ किया, रणथंबोर में किया, 1302 और 3 में इस क्षेत्र से बंगाल होते हुए और ये वरंगाल इस क्षेत्र में किया गया, 305 में कहाँ पे किया, मांडो में किया, 1296 में कारा से यहाँ पे किया देवगिरी, फिर यहाँ पे अपना मुख्य अड्डा बना करके यहाँ से फिर और आगे किया। तो इस तरीके से इनके सारे कैंपेन्स आप देख सकते हो, क्षत्रियाज ठीक है, और ये थंजावुर, मदुरई, पांड्याज, यहाँ पे पांड्यों का राज था, द्वारस मुंडा ठीक है, लक्षद्वीप, तो ये लक्षद्वीप में तो राज नहीं था, जहाँ जहाँ पे ये आपको एरो दिख रहे हैं ना, ये दिखा रखा है यहाँ पे कैंपेन्स, वहाँ वहाँ पे उन्होंने अपना राज किया। अभी आप मीनार देख सकते हैं, कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मिनारेत बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के अंतिम 10 सालों के अंदर यह बनी। दिस वॉज द कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाई दिल्ली सुल्तान, जो ये पहला शहर था जो दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाया गया था। डिस्क्राइब इन द क्रॉनिक ऑफ दिल्ली ए कुआना द ओल्ड सिटी, मतलब इस किताब के अंदर इसका वर्णन है। द मॉस्क्यू वॉज एनलार्ज बाई इल्तुतमिस एंड अलाउद्दीन खिलजी, इस जो मस्जिद है इसको इल्तुतमिस और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। द मीनार वॉज बिल्ट बाई 3 सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिस एंड फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिस और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब मस्जिद के बारे में थोड़ी डिटेल से बताया गया है कि मस्जिद क्या होता है। द मॉस्क्यू इज ए कॉल्ड मस्जिद, एक मॉस्क्यू होता है उसको मस्जिद कहा जाता है अरेबिक भाषा में। लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, कहने का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो इस जगह पे अपने अल्लाह को याद करते हैं, यानी अपने भगवान को याद करते हैं। इन्हें कॉन्ग्रेशनल मॉस्क्यू, मस्जिद ए जामा और जामा मस्जिद, ये दो मस्जिदें थीं। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, वो वहाँ पे अपनी प्रार्थनाएं करते थे एक साथ। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन, जो उनकी जो सभा होती थी उस सभा के जो मुखिया होते थे, चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, जो सबसे सम्माननीय आदमी होता है उसको, लर्न्ड मेल जो आदमी होता है, एंड देयर लीडर इमाम, उसे वो इमाम कहते हैं, फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर, प्रार्थना कराने के लिए। ही ऑल्सो डिलीवर द सेरोमन खतुबा, यानी वो सेरोमन करता मतलब वो भाषण भी देता था ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, यानी शुक्रवार की नमाज के दिन, जिसे खतुबा भी कहते थे वो। ड्यूरिंग प्रेयर, प्रेयर के दौरान मुस्लिम स्टेट फेसिंग इन मक्का, मक्का की तरफ खड़े मुंह करके खड़े होते थे मुस्लिम लोग, या खड़े होते हैं। इन इंडिया दिस इज़ द वेस्ट, इंडिया में यह वेस्ट की तरफ है जिसे पश्चिम बोलते हैं हम। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, जिसे किबला भी कहा जाता है ठीक है। आप देख सकते हैं मस्जिदों में किस तरीके से वो काम करते हैं। दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे, बिल्ट सेवरल मॉस्क्यू इन द सिटी ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, उन्होंने शहर में या सब कंटिनेंट में कई जगह मस्जिदें बनवाई हुई थी। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू द प्रोटेस्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। मॉस्क्यू आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। देखो अगर हम आज के साथ कंपेयर करें तो बहुत सारी मस्जिदें ऐसा लग रहा है कि जो पहले कुछ वहाँ पे कोई और धर्म, जैसे हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मंदिर थे, तो उन मंदिरों को तोड़ करके बनाई हुई ऐसी लग रही हैं। तो बहुत सारी मस्जिदों के ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि हिंदुओं के मंदिरों के तोड़ फोड़ के बनाया गया है। तो इस बात को पूरी तरीके से मतलब एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ लेकिन तुम्हें पेपर में यही लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। अभी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं कि भाई जो मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं, और काफ़ी सारी मस्जिदों के ऊपर इस तरीके से केस वगैरह भी चलते रहते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएंगे लेटेस्ट। हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट वॉज नेसेसरी टू री इन्फोर्स दिस आइडिया टू कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम कम फ्रॉम अ वराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। मुस्लिम अलग अलग वैरायटी के मतलब बैकग्राउंड से आते हैं, तो
मतलब कोड ऑफ एक कंडक्ट होता है जिसको वो मानते हैं, मतलब उनका एक अलग से ही धर्म होता है जिसको वो मानते हैं। और ये बोल रहे हैं जमाली कमाली जो मस्जिद है वो 1520 में बनी थी। फिर ये बोल रहे हैं कंपेयर करें फिगर 2, 3, 4 एंड 5 द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस यू नोट अमंगस द मोस्कियो। बोल रहे हैं क्या सिमिलरिटी और क्या क्या फ़र्क आपको लग रहा है इन मस्जिदों में। द मोस्कियो इज़ फिगर 3, 4 एंड 5 शोज एन इवोल्यूशन इन आर्किटेक्चुरल ट्रेडिशनल दैट कम्युनेट शाहजहाँ मोस्कियो इन दिल्ली। अलग अलग मस्जिदों के बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।